I'm Tanya Israni, and these are my profiles. हेलो हेलो रोशनी जी, आपने जो काम की बात कही थी, हाँ उसके लिए कस्टमर रेडी हो गया है। रात को होटल ब्लू सी में चले जाना। ओके, मैं कॉल करती हूँ। I am Tanya Srani. Have a seat. Thank you. So, आपका ऑडिशन तो बहुत ही अच्छा था, एंड आपका पोर्टफोलियो, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो अगर आपको मूवीज में ट्राई करना है तो सिर्फ ऑडिशन से नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं। बाजू वाली होटल में हमारे प्रोड्यूसर साहब रुके हैं, तो उनसे आके आप शाम में मिल लो। क्यों? इस इंडस्ट्री को तो आप जानते ही हो। यस ठीक है, थैंक यू सो मच। मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। मम्मी मैंने यहाँ मेरे कुछ पैसे रखे थे, वो तो मैंने अमित को दे दिए, उसको उसके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना था। मम्मी मेरी गिटार क्लासेस के पैसे थे। तू क्या करेगी गिटार क्लास जाके? मम्मी एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तेरे गिटार का बहुत नाटक हो गया। तू अपने जॉब पे ध्यान दे। एक तो बिजली का बिल नहीं भरा और घर का रेंट भी नहीं भरा। तेरी वजह से एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
फिर से साक्षी से बात कर रही हो? सना, तुम्हें पहले भी कहा था, ये सब ठीक नहीं है। और सोसाइटी सच में मानेगी क्या इसे? और ये सब एक बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। She's my girlfriend. Oh, great. You are okay with all this? I mean, you don't have any issues with this? Yes, it's your life, so it's your choice. Why should I have any problem? Glad to know that. By the way, I'm Sana. Hi, I'm Nupur. Nice to meet you. You can have a seat here. No. Come. Thank you so much. Excuse me, your phone. Thank you. No issues. हाँ, मैंने ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे कोई बात नहीं, जब होगा तब लौटा देना। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बहुत रिच है और अब तो हम फ्रेंड्स भी हैं। तुम्हें अब गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, और इनफैक्ट अब तो मुझे मेट्रो फैमिली जैसे लगने लगी है। मुझे लगता ही नहीं कब हम मिले यार। सच में मेरा तो ऑडिशन देने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। हाँ तो फिर मत जाना ऑडिशन, पार्टी करते हैं। बेटर। फोन स्विच ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान होता है, जब खुद पे आती है तो क्या हम फेस कर पाते हैं प्रॉब्लम को?
अरे तू अभी तक ऐसी बैठी है? अरे लड़के वाले आने वाले हैं और तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? अरे ये क्या रोज की तरह? खोल इसे ऐसे रखना, ठीक है? ऐसे बना, पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। अरे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, कुछ करना पड़ता है। और ऐसे इस लड़की को तो मैं समझा कर थक गई हूँ। अच्छे से तैयार होना, ठीक है ना? देख मैंने तेरे लिए वो कपड़े निकाल के रखे हैं, और अच्छे से मेकअप करना प्लीज। माँ मुझे नहीं करना जिम, नहीं पहनने मुझे वो कपड़े। आपको क्यों नहीं समझता, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। क्यों मैं क्यों बदलू किसी के लिए? देख बेटा बदलना पड़ता। अरे आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, वो अमित को नया फोन दिलाना था। मम्मी इसका गिटार का नाटक फिर से चालू हो गया। अरे रोशनी अरे तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। हेलो, तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है सर, अब जब मुझे इस इंडस्ट्री में आना ही है तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी समझ गई। तो मुझे जब ये करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो थैंक यू सो मच। सना मना किया था ना तुम्हें, फिर से फोन आ रहा है। इट्स माई लाइफ माई चॉइस, और डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं आपको है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? समझ नहीं आता क्या आप दोनों को? हम समझाए क्या?